हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। गाइस देखिए, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो उसको कम्प्लीटली इग्नोर कीजिएगा क्योंकि एक स्टूडेंट की नोटबुक है ये। आइए देखिए, सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो करना है बेसिक। बेसिक गाइस देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टैटिक्स में कि स्टैटिक्स वर्ड कहाँ कहाँ से आया है। एमसीक्यू में पूछ लेता है काफ़ी टाइम्स। गाइस देखिए, लैटिन वर्ड में जो स्टैटिक्स का नाम है वो है स्टेटस, क्लियर है। इटालियन में गाइस जो हम कहते हैं उसको कहते हैं स्टेटिस्टा। जर्मन में हम स्टैटिक्स को कहते हैं स्टैटिस्का, क्लियर है। और फ्रेंच में हम कहते हैं स्टैटिस्क्यूड। तो ये चारों वर्ड हैं आपको ध्यान रखने होंगे। एमसीक्यू में काफ़ी टाइम्स पूछ लेता है कि लैटिन वर्ड में हम स्टैटिक्स को क्या कहते हैं, इटालियन में स्टैटिक्स को क्या कहते हैं, जर्मन में क्या कहते हैं और फ्रेंच में क्या कहते हैं, किसको, स्टैटिक्स को। तो ध्यान रखिएगा। अब गाइस देखिए, स्टैटिक्स को यहाँ पर समझने के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल होते हैं। आपको डीप में नहीं जाना कि अंदर क्या क्या है इन मेथड के, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। गाइस देखिए, एक मेथड होता है मेरा सिंगुलर स्टैटिकल मेथड, सेकंड होता है प्लुरल स्टैटिकल मेथड, क्लियर है। दो मेथड मेरे पास अवेलेबल होते हैं स्टैटिक्स को समझने के लिए। अब गाइस देखिए, एमसीक्यू में आपसे पूछेगा कि कौन सा मेथड डिफाइन है और कौन सा मेथड अनडिफाइंड है, तो आपको ध्यान रखना है। गाइस देखिए, जो मेरा प्लुरल स्टैटिकल मेथड है वो डिफाइन मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरा सिंगुलर स्टैटिकल मेथड नॉट डिफाइन है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं गाइस, करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट हैं। जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। इफेक्टेड टू मार्क एक्सटेंड बाय लार्ज कोज, गाइस कब इफेक्ट होगा, जब हम डेटा को लार्ज कोज पे जो है इफ कलेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। एक्सप्रेस्ड नंबर है, क्योंकि गाइस देखिए, कोई भी डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, हम नंबर में उसको एक्सप्रेस्ड कर रहे होते हैं। एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं होता गाइस। कभी भी जितना भी डेटा हम जो कलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा जनगणना होती है, वो क्या है गाइस, एक एस्टिमेटेड है, एक्चुअल में नहीं बता सकते कि हाँ भाई इतनी ही पॉपुलेशन हमारी कंट्री में अवेलेबल है, नहीं, एक एस्टिमेट होता है। देखिए, रीजनेबल परसेंटेज है, यहाँ पर सिस्टमेटिक मैनर में जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में हम उसको प्रेजेंट करते हैं। प्री डिफाइंड पर्पज गाइस, जिस भी डेटा के लिए हम यहाँ पर जिस भी पर्पज़ के लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो पर्पज़ मेरा पहले से ही डिफाइन होना चाहिए कि हम किस पर्पज़ के लिए डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं, जब भी हम डेटा को प्रॉपर वे में कलेक्ट कर पाएंगे। आइए कुछ लिमिटेशन देखिए, क्या क्या लिमिटेशन अवेलेबल है स्टैटिक्स में। गाइस देखिए, सबसे पहली लिमिटेशन आती है कि इग्नोर क्वालिटी एक्सपेक्ट, क्वालिटी एक्सपेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। जो भी हम डेटा को बात करते हैं वो क्वान्टिटी में बात करते हैं। किसी पर्सन की ऑनेस्टी है, किसी पर्सन का कलर है, किसी पर्सन की मैं कह सकता हूँ इंटेलिजेंस है, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करता है स्टैटिक्स। सिर्फ और सिर्फ किस में बात करता है, क्वांटिटी में बात करता है, क्वालिटी में बात नहीं करता। सेकंड जो यहाँ पर आती है मेरी लिमिटेशन का, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिसयूज, स्टैटिक्स में जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है मैं उसको मिसयूज कर सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी टाइम हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। देखिए, डज नॉट रिवील एंटायर स्टोरी, जो मेरे पास स्टैटिक्स में डाटा अवेलेबल है वो एंटायर स्टोरी को शो नहीं करता। आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास जो अवेलेबल है, मैं मान के चलता हूँ अर्थमेटिक मीन मेरे पास अवेलेबल है कितना है, 25। अब का ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर एवरेज शो कर रहा है, यानी मैं ये नहीं बता सकता हूँ, मैं किसी से कह रहा हूँ कि मेरे मार्क्स जो यहाँ पर आए हैं 72%। तो गाइस देखिए, यहाँ पर एंटायर डेटा को शो नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा, एक एवरेज बता दिया कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 72% है। अब मैं ये नहीं, उस सामने वाले पर्सन को ये नहीं पता कि इस स्टूडेंट के मार्क्स किस सब्जेक्ट में 90 हैं, किस सब्जेक्ट में 72 हैं, किस में 50 हैं और किस में 40 हैं, क्लियर है, ये वहाँ पर उसको नहीं पता। तो यहाँ पर एंटायर स्टोरी को शो नहीं करता मेरा स्टैटिक्स, ध्यान रखिएगा। डेटा शुड बी यूनिफॉर्म और होमोजीनियस, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने डिफरेंट टाइप्स का जो डेटा है उसको कलेक्ट कर लिया, यदि हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा होगा तो फिर हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। अब गाइस देखिए, हमारे पास टू टाइप्स के डेटा अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट आता है मेरा प्राइमरी डेटा और सेकेंड आता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा गाइस क्या होता है, देखिए ओरिजिनल डेटा को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं, जिसको हम जो कलेक्ट करते हैं ना वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, पर्सनली जाकर कलेक्ट करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू हम उसको कलेक्ट नहीं करते। अभी मैं आपके साथ मेथड डिस्कस करूँगा कि किन किन मेथड का यूज करके हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा आता है गाइस, देखिए डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द पर्सन
अदर देन हु रिक्वायर्ड इट। गाइस देखिए सेकेंडरी डेटा भी ओरिजिनल डेटा होता है, लेकिन जिस पर्सन को उसकी रिक्वायरमेंट है उसके द्वारा कलेक्ट किया हुआ नहीं होता, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर जिस पार्टी को रिक्वायरमेंट है वो क्या करती है, उस थर्ड पार्टी से डेटा को कलेक्ट कर लेती है। कलेक्टेड बाय द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जाता है। क्या क्या हो सकता है गाइस, देखिए आपने देखा होगा फाइल्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से हम डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं। न्यूज़पेपर क्या है, थर्ड पार्टी है, उसने ऑलरेडी डेटा को कलेक्ट किया हुआ है। देखिए मेथड क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, फर्स्ट आता है यहाँ पर डायरेक्ट मीट, हम पर्सनली जाकर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से। सेकंड हो सकता है यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन, या तो हम क्या कर रहे हैं उससे इनडायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या होती है, बातचीत। थर्ड देखिए मेल क्वेश्चनेयर डेटा, हमने क्या करा उसको एक मेल सेंड कर दी, मेल सेंड करी, हम मेल के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी मेरा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा में आता है। या क्वेश्चनेयर सेंड थ्रू इनोमिनेटर, गाइस देखिए यहाँ पर जो हमारी आपने देखा होगा जनगणना करने कुछ पर्सन आते हैं तो वो पर्सन क्या कहलाते हैं, मेरे इनोमिनेटर कहलाते हैं, क्लियर है। तो उन्होंने क्या करा, एक क्वेश्चनेयर प्रोवाइड करा दिया जनरल पब्लिक को और उनसे डेटा को कलेक्ट कर दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है। तो ये सब गाइस क्या है, यहाँ पर मेरा प्राइमरी डेटा है कि प्राइमरी डेटा को मैं या तो डायरेक्ट जाकर उसको कलेक्ट कर सकता हूँ, या इनडायरेक्टली कलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं मेल सेंड कर सकता हूँ, जिस भी पर्सन से मुझे डेटा को कलेक्ट करना है मैं उसको मेल सेंड कर सकता हूँ, या क्वेश्चनेयर भेज सकता हूँ किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू, क्लियर है। सेकेंडरी डेटा को हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं हम, या कोई भी पब्लिक सोर्स है या अनपब्लिश्ड सोर्स है। मेरा पब्लिक सोर्स आपको पता है जैसे न्यूज़पेपर, क्लियर है। अनपब्लिश सोर्स क्या होते हैं, कोई कोई एजेंसी होती है जो डेटा को अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए डेटा को कलेक्ट करती है, लेकिन काफ़ी टाइम्स क्या होते हैं ना कि हम उनसे डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, तो जो मेरी एजेंसी होती है वो अनपब्लिक सोर्स होता है। सेकेंड हमें डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होगा गाइस, देखिए क्लासिफिकेशन डेटा कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं डेटा को। फर्स्ट मेरा आता है क्वालिटेटिव डाटा, सेकेंड आता है क्रोनोलॉजिकल डाटा, या मैं कह सकता हूँ टेम्परेरी डेटा, थर्ड आता है मेरा ज्योग्राफिकल डेटा, और फोर्थ आता है क्वालिटेटिव डेटा। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जो मेरा स्टैटिस्टिक्स है वो किससे डील करता है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा से डील करता है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव डेटा होता क्या है। तो देखिए क्वांटिटेटिव क्या होगा, बेस्ड ऑन सब मीजरेबल आइटम का, यहाँ पर किसके ऊपर बेस होता है, जो मेरा क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो बेस होता है किस पे, जिस आइटम को मैं मीजर कर सकता हूँ यहाँ पर, क्लियर है। मीजर का मतलब क्या है कि मैं मीजर कर सकता हूँ, काउंट करके बता सकता हूँ कितना है। सेकंड देखिए किसकी बात कर रहे हैं गाइस, अभी हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव डेटा की ही बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन सम करेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, मार्क्स एक्सेट्रा। गाइस देखिए मैं एज को बता सकता हूँ कि एज कितनी है, उसको काउंट करके बता सकता हूँ, मार्क्स स्टूडेंट के मैं उनको काउंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जिनको मैं मीजर कर सकता हूँ हम उनको क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। यहाँ पर एज हो गई, मार्क्स हो गए। अब गाइस देखिए इनको हम अदर नेम किस नेम से जानते हैं, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कार्डिनल क्लासिफिकेशन, आल्सो नोन एज कार्डिनल क्लासिफिकेशन। कार्डिनल क्लासिफिकेशन की आज क्या होती है, इस देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है या तो वो इंडिविजुअल डेटा अवेलेबल होगा या वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल होगा। इंडिविजुअल डेटा क्या होता है, मेरे पास एक इंडिविजुअल सीरीज अवेलेबल है। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ मार्क्स 4, 6, 8, 9, ये मेरी क्या है, एक इंडिविजुअल सीरीज है। मैंने यहाँ पर जो है ये आपको नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 4 हैं, कितने स्टूडेंट के मार्क्स 6 हैं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, एक इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। ऑन द अदर हैंड गाइस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे अवेलेबल हैं जिनके 6 मार्क हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स हैं, और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 9 मार्क्स हैं। तो ये मेरा क्या कहलाता है गाइस, फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। आइए देखिए तो मेरे पास इंडिविजुअल डेटा भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी डेटा अवेलेबल हो सकता है। अब गाइस देखिए इंडिविजुअल में क्या होगा, ये वो रो डेटा होगा, मैंने अभी आपको जो ड्रॉ करके दिखाई वो क्या थी, एक रो थी, तो रो डेटा भी हो सकता है और मेरा एरे भी हो सकता है। एरे किस टाइप से हो सकता है गाइस, देखिए या तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है, 4 को मैं इस तरीके से भी तो नोट कर सकता हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, इसमें गाइस कट मारेंगे कितना हो गया 5 और ये मेरा 6, तो इस तरीके से भी मैं इसको नोट कर सकता हूँ, इन्हें हम क्या कहते हैं, एरे। तो गाइस देखिए या तो वो इंडिविजुअल फॉर्म में होगा जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है एरे में होगा। अब गाइस देखिए फ्रीक्वेंसी में आपने देखा होगा, फ्रीक्वेंसी में गाइस देखिए या तो डिस्क्रीट सीरीज मेरे पास अवेलेबल होगी, कंटिन्यूअस सीरीज अवेलेबल होगी, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज मेरे पास अवेलेबल होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लेस देन और मोर देन को,
क्लियर, आपने देखा होगा लेस देन ओ गिव मोर देन ओ गिव, काफ़ी टाइम जो डेटा मेरे पास अवेलेबल होता है वो इस तरीके से होता है, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, और काफ़ी टाइम्स इस तरीके से भी हो सकता है गाइस, देखिए यहाँ पर मोर देन 40, मोर देन 50। तो गाइस ये क्या है, यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, 40 से अबव यानी 40 से लेके 50 तक का डेटा, मोर देन 50 यानी 50 से लेके 60 तक का डेटा, वो किस पे डिपेंड्स करता है, जो मेरे पास सीरीज अवेलेबल है उस पे डिपेंड्स करेगा कि वो कहाँ से कहाँ तक की लिमिट कहना चाहता है। यदि मैं इन दो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये डेटा क्या कहना चाहता है कि 40 से 50 तक का डेटा मोर देन 40 में, क्लियर है। सेम एज गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, लेस देन 20, लेस देन 20 का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, 0 से लेकर 20, फिर क्या कह रहा था, लेस देन 40 यानी 20 से लेकर 40, क्योंकि लेस देन है 40 से, क्लियर है, लेस देन 20 है गाइस, लेस देन 20 यानी 0 से लेकर 19, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये मेरा 39 20 से लेके। तो इस बात को आपको क्लियर होनी चाहिए कि लेस देन क्या है, मोर देन क्या है। अब गाइस देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ पर आती है मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज, हमें दोनों को डिस्कस करना है। मैं आपको बता देता हूँ एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है और इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। देखिए साथ साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आज सोचा था कि बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आता है मेरा इंक्लूसिव डेटा, या मैं कह सकता हूँ इंक्लूसिव सीरीज। अब यहाँ पर देख लीजिए इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज है ये। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, इन विच अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास फ्रिक्वेंसी, क्लास फ्रिक्वेंसी जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। अपर लिमिट को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ। देखिए मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल है, 0 से लेकर 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80 और 80 से लेके 100। और गाइस देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है 5, 6, 7, 8 और 9। प्रॉब्लम आती है गाइस देखिए कि यहाँ पर जो मेरा 20 है उसको हम यहाँ इंक्लूड करेंगे या यहाँ इंक्लूड करेंगे, क्लियर है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 20 कहाँ इंक्लूड करना है हमें, 0 से लेकर 20, तो जो 20 मार्क्स है वो 5 स्टूडेंट्स के हैं, 0 से लेकर 20 है, तो 20 एक्चुअल में यहाँ है या 20 मेरा यहाँ है, क्लियर है। तो इसलिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है जिसमें हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, अपर लिमिट यानी हाईएस्ट, तो ये मेरी क्या है अपर लिमिट, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 0 से लेकर 90 तक 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं 0 से लेकर 19 तक है, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको इंक्लूड कहाँ करेंगे, सेकेंड में, यानी 20 से लेके 39 तक 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 20 से लेकर 39 तक है, 40 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये मेरी क्या कहलाती है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। इंक्लूसिव सीरीज क्या होगी गाइस, देखिए मैं आपको साथ साथ क्लियर कर देता हूँ। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको, अपर लिमिट को। देखिए जैसे मेरे पास कोई सीरीज अवेलेबल है 0 से लेकर 90, 20 से लेकर 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं 4, 5, 6, 7। अब गाइस देखिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी, इसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं, क्योंकि इसमें मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ, क्लियर। दोनों क्लास मेरी इंक्लूड है, यहाँ पर अपर क्लास पे इंक्लूड है एज वेल एज लोअर क्लास पे इंक्लूड है। तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो देखिए इंक्लूसिव डेटा क्या होगा, अब हम सीरीज को डिस्कस करते हैं। डेटा देखिए इंक्लूसिव डेटा क्या होगा, बोथ लोअर एंड अपर लिमिट मस्ट बी इंक्लूड। मैंने आपको बताया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करते हैं, हम दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं। यहाँ पर 40 से 49 तक ही एक्चुअल में 7 स्टूडेंट हैं। और गाइस देखिए एक्सक्लूसिव डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओनली लोअर क्लास इंटरवल इंक्लूड, ओनली लोअर क्लास को इंक्लूड करते हैं, यानी अपर क्लास को क्या करके चलते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं। आइए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, तो आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं क्वांटिटेटिव डेटा को, मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अब जो हमें डिस्कस करना है गाइस देखिए क्रोनोलॉजिकल डेटा को डिस्कस करना है। देखिए क्लासिफिकेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमें डेटा को यहाँ पर क्लासिफाई करना होगा गाइस देखिए वो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। क्रोनोलॉजिकल यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है मैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहा हूँ, वो मेरा क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजिकल डेटा कहलाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम मंथली ईयरली एक्सेट्रा गाइस, देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम, जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को कलेक्ट कर लें और उसको डिवाइड कर लें, वो मेरा क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजिकल डेटा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल डेटा, क्रोनोलॉजिकल डेटा वो होता है जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं या उसको प्रेजेंट कर रहे हैं।
थर्ड आता है यहाँ पर मेरा ज्योग्राफिकल डेटा। ज्योग्राफिकल डेटा का गाइस क्या होगा यहाँ पर, जिसको हम क्लासिफिकेशन करने, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने, लोकेशन के अकॉर्डिंग, वो मेरा क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल डेटा कहलाता है। क्रोनोलॉजिकल डेटा क्या कहलाएगा, जिसको हम क्लासिफाई करने किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग। क्वांटिटिव डेटा क्या है, क्वांटिटिव डेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मार्क्स हो गया, एक एज हो गई किसी स्टूडेंट्स की, या मैं कह सकता हूँ सैलरी हो गई किसी एम्प्लॉय की। तो देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम लोकेशन लाइक विलेज या सिटी। जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है हम उसको क्या कर रहे हैं, एक सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं या एक विलेज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल डेटा कहलाता है। यहाँ पर सेकंड आता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है गाइस, देखिए नॉट बेस्ड ऑन मेजरेबल टर्म, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था किसी स्टूडेंट की ऑनेस्टी है यहाँ पर हम उसको मेजर नहीं कर सकते, किसी का कलर यहाँ पर हम उसको मेजर नहीं कर सकते, इंटेलिजेंट कौन पर्सन कितना इंटेलिजेंट है हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये मेरा क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं कह सकता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस सम एट्रीब्यूट लाइक ऑनेस्टी कलर। गाइस ध्यान रखिएगा एट्रीब्यूट एमसीक्यू में काफ़ी टाइम्स पूछता है, आपने देखा होगा इस बार की एमटीपी में भी अवेलेबल है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है गाइस, देखिए जिनको हम यहाँ पर नोट रिटर्न इन द मेजरेबल टर्म, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हम उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट यानी ऑनेस्टी कलर इंटेलिजेंट, ये सब मेरी क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ। अब गाइस देखिए क्वालिटेटिव डेटा मैं आपको बता चुका हूँ, क्वालिटेटिव डेटा क्या है यहाँ पर, कि एट्रीब्यूट पे बेस है। एट्रीब्यूट क्या है, जिसको कि मैं मेजर नहीं कर सकता यहाँ पर, मेजरेबल टर्म में हम उसको नहीं लिख सकते कि एक है, चार है, पाँच है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसी पर्सन की मैं कैसे लिख दूंगा कि ये पर्सन पाँच ईमानदार है, ये पर्सन छः ईमानदार है, हम ऐसे जो है डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है, आइए अब गाइस देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है वो सिंपल भी हो सकता है और मैनिफोल्ड भी हो सकता है। सिंपल का मीनिंग क्या होगा, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है मैं बता रहा हूँ उसमें से मेल कितने और फीमेल कितने, वो मेरा क्या कहलाता है, सिंपल डेटा कहलाता है। लेकिन मैं फर्दर बायोफर्सिफिकेशन कर देता हूँ, क्लियर है, यदि मैं उसको क्या करता हूँ यहाँ पर फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ या बायोफर्सिफिकेशन कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाता है, मैनिफोल्ड डेटा कहलाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होगा गाइस, देखिए सिंपल में हमने बताया था मेल कितने और फीमेल कितने हैं, क्लियर है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अब गाइस, मेल में बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयड कितने और अनएम्प्लॉयड कितने, इलिटरेट कितने और लिटरेट कितने, तो ये मेरा क्या कहलाता है, मैनिफोल्ड डेटा कहलाता है। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। आगे गाइस देखिए यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, कि हम कितने तरीके से यहाँ पर डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मेरा टेक्स्टुअल। देखिए डाटा इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ एंड नंबर ऑफ पैराग्राफ। गाइस देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको पैराग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, जो ये मेरे पास जो मैं जिसमें से मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये क्या है, यहाँ पर एक टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन है। क्लियर है, कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सिंपल से जो मैं डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में मेरे पास डेटा अवेलेबल है। नोट डेट मच यूज, ज़्यादा यूज नहीं होता। गाइस देखिए यहाँ पर सेकंड आता है मेरा टेबुलर। टेबुलर क्या है गाइस, देखिए प्रोसेस ऑफ कंसीडरिंग डेटा। आप इसकी जगह यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर लीजिए। देखिए प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन ए टेबल, जो हम डेटा को टेबल में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाती है। टेबल में गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है, फर्निश मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन द मिनिमम पॉसिबल स्पेस। जो मेरे पास कम से कम स्पेस अवेलेबल है हम उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो मेरा क्या कहलाती है, टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाती है। बेस्ट मेथड होता है गाइस प्रेजेंटेशन का, ध्यान रखना वन मार्क्स में पूछ लेगा, विच इज़ द वन बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको नाम दे देगा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन। तो आपको बताना है कि टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है वहाँ पर बेस्ट मेथड होता है किसका, प्रेजेंटेशन का। क्लियर है, टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, फाइव पार्ट्स होते हैं टेबल के। टेबल में आपको दिखा देता हूँ क्या होती है, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं एक टेबल में, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, मिनिमम स्पेस पे। जो हमारे पास कम से कम स्पेस अवेलेबल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। बेस्ट मेथड होता है प्रेजेंटेशन का कौन, टेबुलर। टेबल देखिए टेबल के फाइव पार्ट्स होते हैं यहाँ पर गाइस, रो होता है, हेड्स होती हैं, स्टब्स। देखिए रो हेडिंग स्टब कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे। क्लियर है, फुट नोट्स होता है मेरा, सोर्स होता है टेबल में एक। गाइस देखिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कैप्शन कहते हैं।
खड़ा मेरा क्या होता है, वर्टिकल एप्शन होता है। और गाइस यहाँ पर मैं कहता हूँ यदि चित है वो ठीक है पट में है तो उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। गाइस बॉक्स हेड में हम यूनिट को शो करते हैं, वन मार्क्स में पूछ लेता है आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी है कि हम यूनिट को कहाँ शो करेंगे, बॉक्स हेड में हम यूनिट को शो करते हैं। ये मेरी क्या कहलाती है, बॉडी ऑफ द टेबल। आइए कुछ जन गाइस देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात क्या है, एट्रीब्यूट और वेरिएबल अभी हमने देखा था। तो गाइस देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि जिसको हम यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते, जो कि मेजरेबल टर्म में अवेलेबल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, नॉट बी मेजरेबल इन टर्म। क्वालिटी पैरामीटर, क्वालिटी पैरामीटर होते हैं जैसे ब्यूटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, एक्सेट्रा। वेरिएबल क्या होगा गाइस, देखिए विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म, मेजरेबल टर्म में अवेलेबल होता है ठीक है। क्वालिटी पैरामीटर होते हैं, क्वालिटी पैरामीटर गाइस देखिए यहाँ पर हाइट हो गई, वेट हो गई, एक्सेट्रा, किसी स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल से रिलेटेड एमसीक्यू काफ़ी टाइम्स जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं टेक्स्टुअल और टेबुलर प्रेजेंटेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो हमें डिस्कस करनी है वो करनी है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, सबसे पहला आता है यहाँ पर लाइन डायग्राम, सेकंड आता है बार डायग्राम, फिर पाई डायग्राम आता है और मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड है। क्लियर है, आइए देखते हैं यहाँ पर लाइन डायग्राम क्या होगा। लाइन डायग्राम क्या आएगा, जो अभी तक आप जो है ग्राफ बनाते आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइन डायग्राम ही कहते हैं। क्लियर है, जो अभी तक आप डायग्राम बनाते आ रहे हैं ना इस टाइप के, ये सब क्या कहलाते हैं, मेरे लाइन डायग्राम ही कहलाते हैं। देखिए व्हेन डेटा वेरी ओवर ए टाइम वी कैन टेक लाइन डायग्राम, जब जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, लाइन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। जो आपने अभी तक डिस्कस किए होंगे गाइस, देखिए आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के कर्व, वो सब क्या है, यहाँ पर लाइन डायग्राम है। डिमांड एंड सप्लाई नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं अभी, लेकिन आपको बता देता हूँ। क्लियर है, देखिए क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं यहाँ पर, मल्टी लाइन डायग्राम हो सकता है मेरा, मल्टी एक्सिस हो सकता है और रेशियो चार्ट हो सकता है। क्लियर है गाइस, रेशियो चार्ट को हम लॉगरिथम को यूज, लॉगरिथम को प्रेजेंट करने के लिए भी यूज करते हैं, वन मार्क्स में पूछता है काफ़ी टाइम्स, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी आपका एमसीक्यू अवेलेबल है कि रेशियो चार्ट को गाइस लॉगरिथम के लिए हम यूज करते हैं, लॉगरिथम को प्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड आता है मेरा पार डायग्राम, लाइन डायग्राम, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। लाइन डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि टाइम के अकॉर्डिंग डेटा वेरी कर रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, लाइन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सेकंड देखिए बार डायग्राम, रेक्टेंगल ऑफ इक्वल विड एंड यूजुअली ऑफ वेरिंग लेंथ, का देखिए रेक्टेंगल के फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं जिनकी इक्वल विड होती है। बार डायग्राम कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, बार डायग्राम मेरा हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अब गाइस देखिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए नोट्स कीजिए यहाँ से। देखिए हॉरिजॉन्टल जो मेरा बार डायग्राम होता है हम उसको यूजफुल होता है किसके लिए, यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा के लिए। लेकिन वर्टिकल जो है गाइस किसके लिए यूज होता है, यहाँ पर मेरा क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम यूज करते हैं उसका। मैं यदि मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल है तो मैं कौन सा बार डायग्राम को ड्रॉ करूँगा, वर्टिकल को। लेकिन मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा अवेलेबल है तो मैं किसको ड्रॉ करूँगा, हॉरिजॉन्टल को। क्लियर है, देखिए यहाँ पर बार डायग्राम मेरा सिंपल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है और सब डिवाइडेड भी हो सकता है। गाइस देखिए सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है मैं उसको सिंपल वे में प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन मल्टीपल क्या होगा कि मैंने एक से ज़्यादा बार को कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों आपस में कनेक्टेड है। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर तीनों क्या है, सेपरेट है, अलग अलग। सब डिवाइडेड क्या होगा गाइस, देखिए एक ही बार में मैं दो डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर है, 200 और 400 मैं कहता हूँ यहाँ पर 200 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर गाइस देखिए कितने अलग 200 स्टूडेंट्स हैं। तो ये मेरा क्या कहलाता है, सब डिवाइडेड कहलाता है कि यहाँ पर मैं अलग डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर अलग डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन बार तो एक ही है ना। आइए सेकंड आता है पाई डायग्राम, पाई डायग्राम क्या होगा गाइस देखें यहाँ पर, सो कंपोनेंट ऑफ वेरिएंट एज ए पार्ट ऑफ सर्कल, गाइस देखिए सर्कल में हम क्या करते हैं, डेटा को शो करते हैं अलग अलग पार्ट में, सर्कल के हम पार्ट जो डिवाइड कर देते हैं वो मेरा क्या कहलाता है, पाई डायग्राम कहलाता है। एंटायर डाटा इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर में हम डिवाइड कर देते हैं गाइस। देखिए जैसे एक सर्कल अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने क्या करा, तीन सेक्टर को डिवाइड कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। तो ये मेरा क्या कहलाता है, पाई डायग्राम कहलाता है। अब गाइस देखिए पाई डायग्राम से रिलेटेड जो आपसे पूछेगा ना, आपसे पूछेगा एंगल फाइंड करवाएगा, एंगल फाइंड करिए।
तो गाइस देखिए इस कंप्लीट का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो गाइस देखिए वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, जिसकी कंपोनेंट की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, अपोन में आप टोटल वैल्यू रखिए और इनटू में 360 कर दीजिए, तो वो मेरा क्या कहलाता है, एंगल निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर का एंगल फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 60%, तो 60 डिवाइडेड में टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस इसकी, 100, और इनटू में कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पर कितना आएगा गाइस, 216 डिग्री इसका एंगल आएगा। क्लियर है? तो आपसे पाई डायग्राम में ना जो पूछेगा तो डेफिनेटली क्या पूछेगा, एंगल पूछेगा कि एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो आपको ये फॉर्मूला जो है लर्न होना चाहिए। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो करना है हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम का कंटिन्यूस सीरीज में हम यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम का। देखिए यूज फाइंड मोड एंड ऑप्टेन फ्रॉम मोड। गाइस देखिए हम किसके लिए यूज करते हैं मोड को फाइंड आउट करने के लिए, हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, हिस्टोग्राम का, ध्यान रखिएगा। हिस्टोग्राम के मेरा क्या होता है, सिंपल सा मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ डायग्राम, टू डायमेंशनल होता है। सीरीज ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल विद द बेस एज इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्री एंड एक्स एक्सिस, क्लास बाउंड्री एंड एक्स एक्सिस में डिफरेंस अभी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ हिस्टोग्राम को, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाता है। किस में कन्फ्यूजन क्रिएट्स होता है, यहाँ पर हिस्टोग्राम में और बार डायग्राम में कन्फ्यूजन क्रिएट्स होता है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी एक्सक्लूसिव टाइप। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हिस्टोग्राम में एक्सक्लूसिव टाइप का होता है। देखिए इक्वल क्लास इंटरवल और क्या होगा, अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मेरा इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। इक्वल क्लास इंटरवल गाइस क्या है, यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ईजिली अवेलेबल है, लेकिन अनइक्वल है। और फिर क्या होगा, जैसे 0 से 19, फिर यहाँ पर 20 से 29, ये मेरा क्या है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है। गाइस देखिए हिस्टोग्राम भी क्या है, यहाँ पर टू डायमेंशनल है। मैं आपको बता रहा हूँ हिस्टोग्राम को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये मेरा क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम कहलाता है। क्लियर है? हिस्टोग्राम में कभी भी स्पेस अवेलेबल नहीं होता। बार डायग्राम और यहाँ पर हिस्टोग्राम एक ही जैसे डायग्राम लगते हैं देखने में, लेकिन बार डायग्राम में क्या होता है, स्पेस अवेलेबल होता है इस तरीके से। यहाँ पर जो ये चीज़ ये स्पेस है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये आपस में कनेक्ट होकर चलेंगे। क्लियर है? वो मेरा क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम कहलाता है। दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है हिस्टोग्राम में और बार डायग्राम में। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम मोड को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम का, लेकिन बार डायग्राम के थ्रू मैं मोड को फाइंड आउट नहीं कर सकता, ये भी एक डिफरेंस है। आइए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हिस्टोग्राम और बार डायग्राम का, देखिए हिस्टोग्राम में क्या होता है, स्पेस मैंने आपको बताया कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं होता, नो स्पेस, यानी इस तरीके से होगा। और गाइस देखिए यहाँ पर स्पेस अवेलेबल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस तरीके से होगा ये। क्लियर है? तो यहाँ पर स्पेस अवेलेबल होता है। गाइस देखिए विड्थ जो होती है, यहाँ पर चौड़ाई इंपॉर्टेंट होती है हिस्टोग्राम में, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखती, हम कितनी भी चौड़ाई कर सकते हैं जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं बार को। वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूँ कंटिन्यूअस सीरीज में होता है ओनली, जो हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कर सकते हैं ओनली एंड ओनली, लेकिन बार डायग्राम को मैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए तो ड्रॉ कर सकता हूँ, एज वेल एज मैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी ड्रॉ कर सकता हूँ बार डायग्राम को। तो ये सब गाइस एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट थ्योरी डिस्कस ना करके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। मोड देखिए, फाइंड मोड इज पॉसिबल, हम मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं किसमें, हिस्टोग्राम में, लेकिन गाइस देखिए बार डायग्राम में मोड को फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? आइए फ्रीक्वेंसी पोलोगन देखिए। फ्रीक्वेंसी पोलोगन मेरे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। आपको ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कौन कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 4 टाइप्स के होते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा कहीं देखिए डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ड्रॉ कैसे करते हैं, देखिए ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ हिस्टोग्राम। जो मेरे पास गाइस यहाँ पर हिस्टोग्राम में क्या है, जो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, जो बार अवेलेबल है, यदि मैं उनके यहाँ पर मिड पॉइंट को क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी पोलोगन कहलाता है। क्लियर है?
देखिए एरिया ऑफ पोलोगन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पोलोगन, दोनों इक्वल होते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। अब मैंने अभी आपको बताया था ओगिव क्या होता है और मेरे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओगिव मेरे टू टाइप्स के होते हैं, लेस देन ओगिव मोर देन ओगिव। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो मेरे पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है हम उसको सम करते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। जैसे मेरे पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है 2, 4, 6 तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 तो एजेंटिस नोट होता है, हम फिर इसके साथ सम करते हैं, ये कितना हो जाएगा 6, इसके साथ सम करूँगा ये 12, ये मेरी क्या कहलाती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाती है। आइए टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस टाइप्स की हो सकती है, देखिए लेस देन ओगिव हो सकता है, मेरा मोर देन ओगिव हो सकता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। गाइस देखिए यदि लेस देन ओगिव है तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग कर्व होगा और असेंडिंग सीएफ होगी, असेंडिंग ऑर्डर में होगी जो मेरी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में। यदि मोर देन ओगिव है, मोर देन ओगिव इस टाइप से है तो उस केस में क्या होगा, देखिए डिसेंडिंग कर्व होगा मेरा, यानी आप इसको क्या करिएगा डिक्रीजिंग कर्व कर लीजिए या डिसेंडिंग कर्व भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये क्या होगी डिसेंडिंग सीएफ होगी। जैसे कि गाइस लेस देन ओगिव में मेरा जो कर्व होता है वो इंक्रीजिंग होता है यानी बढ़ते हुए इस तरीके से होता है, देखिए मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा रखा है, एज वेल एज क्या होता है मोर देन में इस तरीके से होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लेस देन ओगिव में क्या होगी इंक्रीजिंग कर्व होगा और इंक्रीजिंग ही सीएफ होगी यानी असेंडिंग ऑर्डर में होगी बढ़ते हुए क्रम में। मोर देन में क्या होगी अपोजिट चलता है, यहाँ पर मोर देन है तो ये क्या होगी लेस देन में होगी यानी डिसेंडिंग में होगी और ये भी मेरी डिसेंडिंग में होगी सीएफ भी और कर्व भी। क्लियर है गाइस। देखिए यूज कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, देखिए इट्स हेल्प टू कंप्यूट मीडियन एंड सेकंड क्वार्टाइल। आपने देखा होगा हम मीडियन को कैलकुलेट कर लेते हैं लेस देन मोर देन ओगिव के थ्रू, जहाँ पर दोनों कट करते हैं एक दूसरे को वहाँ पर हमारा क्या होता है मीडियन होता है। तो गाइस देखिए मैं मीडियन को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और किसको कैलकुलेट कर सकता हूँ सेकंड क्वार्टाइल को भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, किसके थ्रू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के थ्रू। देखिए फैसिलिट कंपैरिजन ऑफ टू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे पास कोई भी दो डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है उनकी कंपैरिजन करनी है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। क्लियर है, आई होप कि आपको चीज़ इजीली क्लियर होगी। देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पर लेस देन और मोर देन एक होगी मेरे एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट मेरे क्या कहलाता है मीडियन कहलाता है। डिफरेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्क्रीट सीरीज क्या होगी बताने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप देख लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विथ कोरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी, जो मेरे पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है उसके साथ मेरे पास वैल्यू भी अवेलेबल है वो मेरी क्या कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या होती है डेटा अवेलेबल होता है जैसे 2, 4, 6, 8, ये मेरी क्या कहलाती है एक इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन इसी के साथ यदि मेरे पास फ्रिक्वेंसी भी अवेलेबल है इसकी, यदि मैं कहता हूँ 2, 3, 1, 2 तो ये मेरी क्या कहलाएगी का यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। क्लियर है। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, देखिए अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वैल्यू इनटू द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के साथ जो है मेरे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होता है जैसे 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ये मेरा क्या है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है और इसके साथ मेरे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मान के चलते हैं मार्क्स हैं तो 0 से लेकर 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 2, 4, 6 तो कहीं ये मेरा क्या कहलाता है कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है। थर्ड देखिए यहाँ पर क्लास लिमिट, क्लास लिमिट क्या होगी द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू इंक्लूडिंग इन द क्लास और इन क्लास लिमिट, जो मेरी क्लास लिमिट है उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू वो मेरी क्या कहलाती है क्लास लिमिट कहलाती है। क्लास इंटरवल क्या होगा अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट वो मेरी क्या कहलाएगा क्लास इंटरवल कहलाता है। गाइस देखिए यहाँ से कुछ एमसीक्यू क्रिएट्स हो जाते हैं ध्यान रखिएगा। फर्स्ट देखिए ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज क्या होती है लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास और बोथ वन मिसिंग। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट क्या होती है मिसिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि लेस देन 10 लिख दिया स्टार्टिंग में, लेस देन 10 तो यहाँ पर क्या आएगा जो मेरी लोअर क्लास लिमिट है वो क्या यहाँ पर मिसिंग है। फिर हम क्या कर रहे हैं 10 से 20, 20 से 30 डेटा को लिखते जा रहे हैं लेकिन लास्ट में हमने क्या कर दिया फिर से हमने वही करा कि यहाँ पर क्या लिख दिया लेस देन 60 यानी 60 से कम तो ये मेरी क्या कहलाती है यहाँ पर कि फर्स्ट लोअर जो क्लास लिमिट है वो मेरी मिसिंग है। या हम कह रहे हैं देखिए यहाँ पर मोर देन
20, तो यहाँ पर क्या होगी, मेरी अपर क्लास लिमिट जो है मिसिंग है कि 20 से कितने तक हमें नहीं पता, तो वो हम कब डिसाइड करेंगे, सेकंड डेटा को देख के। जैसे कि हमने कहा था लेस देन 10, तो यहाँ पर हमें नहीं पता था कितना लेस, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि 10 का गैप है, तो मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि 0 से लेकर 10 तक है। क्लियर है? तो ओपन एंड सीरीज वही होती है जिसमें अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट मेरी क्या होती है, मिसिंग होती है। सेकंड देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फंक्शन। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास, जो मेरे पास गिवन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी और अपॉन कर देते हैं हम किससे, क्लास विड्थ से। क्लास विड्थ क्या कहलाती है? मेरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो मेरी क्या होगी, क्लास विड्थ होगी। देखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यदि मुझे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज़ करता हूँ, एमसीक्यू में काफ़ी टाइम्स पूछ लेता है। देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फॉर्मूले पूछता है, जिनके काफ़ी टाइम्स फॉर्मूले पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इनको ऐसे ही मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक है सबका डिस्कस करने के पीछे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू में 100। 100 किस लिए कर रहे हैं, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर रेशियो चार्ट का किस लिए यूज करते हैं, हम लॉगरिदम ऑफ वेरिएबल के लिए। क्लियर है? यदि कोई भी लॉगरिदम है उसको हमें शो करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशियो चार्ट का यूज करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इंक्लूसिव डेटा डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सक्लूसिव डेटा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और इंक्लूसिव सीरीज भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, दोनों पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यदि मार्क्स अवेलेबल है आप इसको ऐसे ही नोट्स कीजिए हिंदी में जैसे मैंने किया हुआ है। मार्क्स के केस में इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज बोथ होते हैं। क्लियर है? आपका ही देखिए आपसे कह रहा है मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, आपको मार्क्स दिए हुए और आपसे पूछ रहा है कि वो इंडिविजुअल सीरीज होगी या कंटिन्यूस सीरीज होगी। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, यदि आपके ऑप्शन में कंटिन्यूस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज दोनों अवेलेबल है तो बोथ होगा गाइस, जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो फिर बोथ होगा। क्लियर है? लेकिन आपके ऑप्शन में बोथ नहीं है तो उस केस में आप डिस्क्रीट सीरीज पर जो है करेक्ट टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर वो क्या होगी, मेरी डिस्क्रीट सीरीज होगी। यदि आपके ऑप्शन में कंटिन्यूस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज दोनों अवेलेबल नहीं है तो आपको इन दोनों में से किसी पे भी फिर टिक नहीं करना, फिर क्या करना है आपको डिस्क्रीट सीरीज पर टिक करना है। क्लियर है? देखिए हाइट हो गई, वेट हो गया, एज हो गया के केस में बोथ नहीं होते। यदि बोथ नहीं है, इंडिविजुअल और कंटिन्यूस नहीं है, तो आप किस पर टिक करेंगे गाइस? कंटिन्यूस पर करेंगे फिर। क्लियर है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, मार्क्स के केस में गाइस इंडिविजुअल और कंटिन्यूस है तो दोनों होंगे, और नहीं है तो डिस्क्रीट होगी, इन दोनों में से फिर कोई सा भी नहीं आएगा। और यदि हाइट पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है और एज पूछ रहा है तो उस केस में बोथ होंगे, और बोथ नहीं है तो आप किस पर टिक करेंगे? कंटिन्यूस पर टिक करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि गाइस आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, सी यू।